Hello friends, welcome to Alpha Learning. I am Manish Shukla and I will be taking the lecture series on standard practices and quality control. ये subject आपके engineering services के GS के syllabus में है और ये approximately 10% weightage carry करता है. इस subject को अगर हम एक right approach के साथ और एक proper revision के साथ अगर हम इसको पढ़ें तो हम इस subject के almost सारे question को with accuracy हम tackle कर सकते हैं exam में. तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आइए सबसे पहले इस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लेते हैं और इसके एक ब्लूप्रिंट को भी हम समझते हैं कि इस सब्जेक्ट को हमने कैसे डिज़ाइन किया है. तो इस सब्जेक्ट को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है. पार्ट वन है क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, पार्ट टू है इन्वेंट्री, पार्ट थ्री है रिलायबिलिटी और पार्ट फोर है मैथमेटिकल टूल्स. मैथमेटिकल टूल्स ये एक तरीके से सप्लीमेंट है आपके लिए कि अगर मान लीजिए आपको कुछ कंसेप्ट रिवाइज करने हैं या कुछ कंसेप्ट की थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए तो आप इस पार्ट को आप रेफर कर सकते हैं. कंसेप्ट कैसे, जैसे आपका मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह के जो कंसेप्ट हैं आप इस पार्ट में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. तो आइए आते हैं अपने मेन पार्ट पे, दैट इज पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री. तो पार्ट वन को मैंने फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड किया है, चार चैप्टर्स में डिवाइड किया है. पहला चैप्टर है जर्नी टुवर्ड्स एक्सेलेंस, दूसरा चैप्टर होगा सेवन क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, तीसरा होगा सिक्स सिग्मा और चौथा होगा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग. पार्ट टू इन्वेंट्री वाले में हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री मॉडल्स, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंट्री मॉडल्स, जैसे EOQ आपने इसका नाम सुना होगा, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल. दूसरा हम पढ़ेंगे लाइन बैलेंसिंग. पार्ट थ्री रिलायबिलिटी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी क्या होती है, हाउ द रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिस्टिक टर्म, मेंटेनेबिलिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या होती है. इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल्ड वे में इस पार्ट में कवर करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन, दैट इज क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स का पहला चैप्टर, दैट इज जर्नी टुवर्ड्स एक्सेलेंस. तो इस चैप्टर को हम कवर कैसे करेंगे इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको. इसको हम कवर ऐसे करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी गुरु ने अपने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी थी क्वालिटी को लेके, उनको हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उन थ्योरीज को पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उसको कवर करेंगे. तो कुछ क्वालिटी गुरुज के मैं आपके नाम को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. जैसे शिवहार्ट थे, 1920s के अराउंड ये एक्टिव थे. फिर आए पी क्रॉसबी और इसके बाद आपके डेमिंग आए. ये डेमिंग जो थे वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ये एक्टिव थे और एंड ही वॉज द मेन पर्सन, ही वॉज द मेन पर्सन जिनने जापान को राइज करने में हेल्प की. इसके बाद हम पढ़ेंगे जुरान, ये भी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे एक्टिव थे. फिर इसके बाद एक जापानीज प्रोफेसर थे जिनका नाम था कोरू इशिकावा. उनने क्या क्या क्वालिटी में कंट्रीब्यूशन दिए, उनकी क्या क्या थ्योरीज थी, उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनने कंट्रीब्यूट किया था डेट वॉज सेवन क्वालिटी कंट्रोल टूल्स और एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया था जिसका नाम था फिश बोन डायग्राम. इसको हम डिटेल वे में कवर करेंगे अपने सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में. फिर अगला हम पढ़ेंगे TQM एंड देन फाइनली हम पढ़ेंगे सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा बेसिकली वो अप्रोच है, इसको मैं थोड़ा सा आपको मैं हिंट देता हूँ कि why इट इज कॉल्ड एज एक्सेलेंस. सिक्स सिग्मा इज इक्विवेलेंट टू एक्सेलेंस. ये एक्सेलेंस ऐसे है कि सिक्स सिग्मा कोई ऐसा प्रोसेस होता है, जो क्या प्रोसेस होता है वो हम सिक्स सिग्मा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर हम उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं या उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा. इसको अगर हम क्वांटिफाई करते हैं, अगर इसको हम क्वांटिफिकेशन करते हैं तो सिक्स सिग्मा अप्रोच, अगर हम कोई प्रोडक्ट सिक्स सिग्मा अप्रोच से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रोसेस हमें जो मतलब बेसिकली सिक्स सिग्मा को अगर आप ऐसे समझो कि सिक्स सिग्मा इज इक्विवेलेंट टू 3.4 DPMO. इस टर्म को देख के आप
घबराइएगा नहीं, इसको मैं आपको बहुत ही एलिबरेटली इसको मैं समझाऊंगा सिक्स सिग्मा के चैप्टर्स में कि सिक्स सिग्मा इक्वल टू 3.4 डीपीएमओ क्या होता है. डीपीएमओ क्या होता है? डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी. कोई इसमें बहुत मतलब सुनने में ये बहुत भारी भरकम सा शब्द लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली कुछ है नहीं. डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया एक मिलियन अगर आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं तो उसमें 3.4 डिफेक्ट्स तो कुछ होता नहीं है, तो हम ये मानेंगे 3 से 4 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स उसमें होंगे. मतलब 1 मिलियन प्रोडक्ट में 1 मिलियन प्रोडक्ट में 3 से 4 प्रोडक्ट डिफेक्टिव होंगे. तो आप इमेजिन करो कि आपने 1 मिलियन प्रोडक्ट को आपने बनाया और उसमें मात्र 3 या 4 प्रोडक्ट्स जो हैं डिफेक्टिव निकले, तो डोंट यू थिंक कि ये एक एक्सेलेंस है. मतलब कितने मतलब परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट निकालोगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, तो वो ऐसे निकल के आएगा 3.4 डिवाइडेड बाई 10^6 इंटू 100, विच इज वेरी स्मॉल परसेंटेज डिफेक्ट. तो इसलिए हम बोलते हैं सिक्स सिग्मा इज कॉल्ड एज द एक्सीलेंस प्रोसेस, और इट इज द वेरी इट इज द आप ऐसे समझ लो कि सिक्स सिग्मा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही मिनिमम डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा. तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वालिटी क्या है. व्हाट इज क्वालिटी? तो क्वालिटी का डेफिनेशन अगर आप बुक्स रेफर करोगे तो बहुत सारी क्वालिटी की डेफिनेशंस हैं, तो उनमें से मैंने कुछ डेफिनेशंस को इसमें कवर किया है जो कि मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. तो आइए समझते हैं कि वो क्या क्या डेफिनेशंस हैं. तो कुछ क्वालिटी गुरु का मानना है, कुछ क्वालिटी गुरु ने ऐसे डिफाइन किया था कि क्वालिटी मीन्स अ डिग्री ऑफ एक्सेलेंस. कुछ ने कहा कि फिटनेस फॉर यूज, मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट है दैट इज फिट फॉर माई यूज देन दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, या मेरे रिक्वायरमेंट्स को अगर वो फुलफिल कर रहा है तो दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. कुछ लोगों का कहना था कि क्वालिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट. डिफेक्ट्स अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट नहीं है दैट इज अप टू द मार्क देन दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. किसी क्वालिटी गुरु ने यह भी बोला कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा अगर वो कस्टमर को डिलाइट करता है, मीन्स कस्टमर इज वेरी हैप्पी, कस्टमर इज एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोडक्ट देन दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. कुछ लोगों ने कहा कि क्वालिटी इज कंप्लायंस, बोला कि प्रोडक्ट अगर जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिफाइंड बाय गवर्नमेंट हो सकता हो कि इंडस्ट्री ने उस चीज़ को डिफाइन किया है, तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को अगर कोई प्रोडक्ट मीट करता है देन दैट इज कॉल्ड एज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. मीन्स क्वालिटी इज कंप्लायंस टू द सेट स्टैंडर्ड्स. क्वालिटी इज इक्वल्स टू कंप्लायंस टू सेट स्टैंडर्ड्स. तो क्वालिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. फर्दर कुछ और क्वालिटी गुरु का ये भी मानना था कि क्वालिटी मीन्स कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब ये हो गया अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है दैट इज अगर एक रीजनेबल प्राइस पे हमारे रिक्वायरमेंट्स को अगर सेटिस्फाई कर रहा है. रिक्वायरमेंट्स का सेटिस्फाई होना दैट इज मस्ट, मीन्स अगर हमें कंपेरेबल प्राइस या रीजनेबल प्राइस में अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है देन दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. तो कुछ लोगों का जो फोकस था वो ये था कॉस्ट पे, मीन्स रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए और साथ में हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा. इसके बाद आता है कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट. कुछ लोगों ने ऐसे भी डिफाइन किया कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट क्या था कि कोई प्रोडक्ट है वो अगर कंज्यूमर और कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को कन्फर्म कर रहा है या मीट कर रहा है तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है. तो अगर आप इन सबको अगर आप देखोगे तो मोर और लेस सबका एक ही पॉइंट है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को या कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फैक्ट्रीली या अप टू मार्क मीट करना है तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा. नाउ फिटनेस फॉर यूज, इसको हम थोड़ा सा और एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि फिटनेस फॉर यूज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि प्रोफेसर जुरान ने दिया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में. उनने ये बोला था कि कोई भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट तभी होगा जब वो हमारे यूज का होगा.
मीन्स अगर उसका हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो माइक्रोसॉफ्ट बॉब एक सॉफ्टवेयर था जो कि 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या था कि ये एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस था विंडोज 3.1x और विंडोज 95 के लिए। तो इसमें क्या होता है बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जब इस एप्लीकेशन को आप रन करोगे तो एक ऐसा घर बन के आएगा, जैसे आप यहाँ पे देखो तो एक ऐसा एक हाउस बन के आएगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होंगे और उन डिफरेंट डिफरेंट रूम से डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे कुछ आपके जैसे फर्नीचर हो गया, कप हो गया या पेन हो गया, इस तरह की चीज़ें उसमें प्लेस्ड होंगी। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको जैसे सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो आपको इस हाउस में एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको उस पॉइंट पे जाना होगा जहाँ पे एक डेस्क होगा, डेस्क पे पेन होगा और एक पेपर होगा। तो वो जो डेस्क पे पेन और पेपर है दैट अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल के आ जाएगा। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट बॉब इस तरीके का एक यूजर इंटरफेस था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था बट इट वॉज अ बिग फेल्योर। इतना बड़ा वो फेल्योर था कि इट रिसीव्ड द 7th प्लेस इन द पीसी वर्ल्ड्स मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 25 वर्स्ट टेक प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल टाइम एंड इट वॉज नंबर 1 वर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द डेकेड बाय cnet.com। तो इन दोनों ने रुक्स को जो है वर्स्ट प्रोडक्ट डिक्लेयर किया था और ये इट वॉज द बिगेस्ट फेल्योर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। तो आप अगर देखो तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बेस्ट दिया, मीन्स दे गेव अ वेरी यू नो आप यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में अगर आप देखो तो दे गेव अ वेरी गुड यूजर इंटरफेस बट दैट वॉज अकॉर्डिंग टू देम। उसको कस्टमर ने डिसलाइक किया, देवर मतलब वो ऐसा था कि इसका कोई उनके लिए यूज नहीं था। अगर उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है तो दे कैन सिंपली गो एंड क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल बी ओपन। तो इसके लिए इतना इंटरफेस देने का उसमें रिक्वायरमेंट नहीं था। तो देख बेसिकली देखा जाए दैट वॉज नॉट फिट फॉर द यूज टू द कस्टमर और कंज्यूमर। तो ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल था कि हाउ फिटनेस फॉर यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगला पॉइंट है क्वालिटी इज कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है कि जो भी सेट स्टैंडर्ड्स हैं या जो भी नॉर्म्स हैं दैट मे बी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया हो सकता हो कि इंडस्ट्री जैसे आपका फूड इंडस्ट्री है उस फूड इंडस्ट्री में वो नॉर्म्स बेसिकली एस्टैब्लिश्ड हैं। तो कोई प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा अगर वो उन नॉर्म्स या उन सेट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइम आया था आपका जहाँ जिसमें कि मैगी को एक तरीके से इट वॉज अ बैंड प्रोडक्ट। वाई? क्योंकि उसमें MSG का कंटेंट, MSG क्या होता है, मोनो सोडियम ग्लूटामेट, ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है दैट इज अ टेस्ट एनहेंसर। ये क्या है, एक टेस्ट एनहेंसर, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट रेगुलेटिंग बॉडी है उनने ये पब्लिश किया कि मैगी में ये मोनो सोडियम ग्लूटामेट का जो कंटेंट है वो एक्सेप्टेबल या परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा है और उनने ये भी पब्लिश किया कि उसमें लेड भी एक्सेसिव है। तो अगर मान लीजिए कि वो जो मैगी प्रोडक्ट था उसमें वो परमिसेबल उसमें जो MSG और एक्सेसिव जो उसमें जो MSG डेट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट और जो लेड था वो आपका परमिसेबल लिमिट से एक्सीड कर रहा था तो बेसिकली वो सेट स्टैंडर्ड्स या जो नॉर्म्स हैं उनको वो मीट नहीं कर रहा था। अगर उनको वो मीट नहीं कर रहा था मीन्स दैट इज नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट बिकॉज दैट इज not complying the set standards given by the industry or the government regulating bodies. तो अगला है quality is conformance to requirement। इसको भी थोड़ा हम समझते हैं, ये फिलिप क्रॉसबी ने दिया था, जहाँ हम फिलिप क्रॉसबी की contribution के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम इस particular topic को हम और elaborately पढ़ेंगे but यहाँ पर हम थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि quality is equal to conformance to requirement कैसे होता है। क्या होता है कि जैसे अगर सपोज करिए हमने डिसाइड किया कि हमें एक बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए हम या तो हम सर्विस बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं या हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं। सपोज करिए हमने कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करने का सोचा तो हम क्या करेंगे, मार्केट में रिसर्च करेंगे, कंज्यूमर और कस्टमर जो भी हमारा टारगेटेड कस्टमर है उनका हम एक तरीके से व्यूज लेंगे, उनके हम रिक्वायरमेंट्स को जानने के लिए एक सर्वे करेंगे और उस सर्वे के इंटरप्रिटेशन से इंटरप्रेटर कौन होगा, इंटरप्रेटर हम लोग होंगे। तो क्या होगा कि उस सर्वे के इंटरप्रिटेशन से हम कुछ डिजाइन स्पेसिफिकेशन डिसाइड करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट में
ये स्पेसिफिकेशन इंस्टॉल करेंगे या ये स्पेसिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट में होंगे। तो मार्केट सर्वे किया, मार्केट सर्वे से हमें क्या मिला, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। तो अभी क्या क्वालिटी कैसे डिफाइन हो रहा है, क्वालिटी ऐसे डिफाइन हो रहा है जो भी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है, अगर कोई प्रोडक्ट उन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को अगर वो मीट करता है तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ ये सोचो कि हो सकता है कि जो हमने सर्वे किया था और सर्वे से जो भी हमारा इंटरप्रिटेशन निकल के आया था, इंटरप्रिटेशन, अब इंटरप्रिटेशन करने वाले कौन है, हम हैं, तो हो सकता हो कि हमारा इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को कंफर्म कर रहा है तो कोई वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो बेसिकली कन्फॉर्मेंस इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस टू मीट द डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन इंडिकेटेड बाय द बायर और कस्टमर्स। ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस टू मीट इट्स डिजाइन स्पेसिफिकेशन। डिजाइन स्पेसिफिकेशन कहाँ से मिलता है, जब हम कस्टमर या कंज्यूमर या मार्केट सर्वे करते हैं। डिजाइन स्पेसिफिकेशन आर एन इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉट द कस्टमर नीड्स, जो कस्टमर के जो नीड्स हैं उनको हम इंटरप्रेट करते हैं या उस सर्वे के इंटरप्रिटेशन से हम डिजाइन स्पेसिफिकेशंस डिसाइड करते हैं। नाउ अ प्रोडक्ट विल हैव अ हाई क्वालिटी, द प्रोडक्ट हैविंग अ हाई क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस टू दैट डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, देन दैट विल बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। बट वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो क्वालिटी है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कस्टमर और कंज्यूमर। हो सकता है कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो सही नहीं हुआ या सही नहीं बैठा, जिसकी वजह से हमने जो प्रोडक्ट हमने जो प्रोड्यूस किया है सेट पर्टिकुलर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के लिए, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में फेल हो गया, तो इसलिए वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो आपने समझ लिया कि क्वालिटी इज इक्वल टू कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से डिफाइन होती है। तो इसमें कुछ एक नोट पॉइंट्स हैं। पहला नोट पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस इज मेजर्ड विद इन एन एक्सेप्टेबल टॉलरेंस रेंज, मतलब एक टॉलरेबल लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शर्ट खरीदने गया, ठीक है, तो शर्ट आपने खरीदे और आपकी जो शर्ट का जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली 42 है, या आप कह लो आप 42 शर्ट की साइज पहनते हो। तो क्या है कि अगर मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट या जो शर्ट है उसकी जो साइज़ निकल के आई, जब आपने उसको मेजर किया तो उसकी साइज़ निकल के आया 42.02 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर की शर्ट आप पहनते हो बट आपका जो आपने शर्ट खरीदा उसका जो एक्चुअल निकल के आया दैट इज़ 42.02, बट फिर भी आप उसको एक क्वालिटी प्रोडक्ट कहोगे या कहोगे कि आपके रिक्वायरमेंट्स को वो मीट कर रहा है। तो क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस क्या है, ये एक्सेप्टेबल टॉलरेंस रेंज में वर्क करता है, मतलब हमारी कुछ टॉलरेबल लिमिट होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 42 सेंटीमीटर का शर्ट आपने खरीदा, दैट इज कंपनी ने बोला कि ये जो शर्ट है जो मैं आपको शर्ट बेच रहा हूँ वो शर्ट 42 सेंटीमीटर का है, बट एक्चुअल में उसका जो मेजरमेंट देखा तो वो 43 सेंटीमीटर निकल गया है। तो दैट इज नॉट द कन्फॉर्मेंस, दैट इज इसका मतलब ये हो गया कि जो भी स्पेसिफिकेशंस या जो भी उस शर्ट का साइज मेंशन था वो एक्चुअली में वो शर्ट उस साइज को कंफर्म नहीं कर रहा है, मींस वो शर्ट का साइज एक्चुअली में 42 नहीं था। तो मींस कि यहाँ पे जो कन्फॉर्मेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, इसलिए वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करिए कि हमारे पास एक फ्लाइट है एंड दैट इज अबाउट टू लीव विद इन द 10 मिनट्स। अब क्या है कि 0 से लेके 10 मिनट्स के बीच में फ्लाइट कभी भी टेक ऑफ करे तो इट मींस कि वो एक क्वालिटी सर्विस उसने प्रोवाइड की, मींस एक रेंज मिल गया हमें, ठीक है, कि 10 मिनट में फ्लाइट लीव करेगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है अगर मान लो फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर जाती विद इन 10 मिनट्स, तो इसका मतलब है कि हमें क्वालिटी सर्विस मिली। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा हमारा जो नोट पॉइंट है वो है कि हाई कॉस्ट डज नॉट नेसेसरली इक्वेट टू द हाई क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि हमारा अगर हमने कोई कॉस्टली आइटम खरीदा तो वो हमारे लिए एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, सपोज करिए कि मैं एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हूँ, और
मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे ऐसे ट्रक्स खरीदने हैं, ऐसे ट्रक्स खरीदने हैं जो कि रिलायबल हो। रिलायबल मतलब कि ऐसा ना हो कि जो कि एक रिलायबल है, और ऐसा रिलायबल मतलब होगा कि ऐसा ना हो कि ऑन रोड जब आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ऑन रोड कहीं पे वो व्हीकल बर्न आउट कर जाए या व्हीकल वो खराब हो जाए। तो हमें ऐसे ट्रक्स चाहिए थे कि जो कि रिलायबल हो, पहला पॉइंट। सिंस वी आर इन बिजनेस तो ऑब्वियसली वी वॉन्ट कि उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है, फ्यूल इकोनॉमी है वो काफ़ी हाई हो या एक्सेलेंट हो, ठीक है। और जो तीसरा जो रिक्वायरमेंट है कि जो उसका पहला रिक्वायरमेंट क्या हो गया कि वो रिलायबल होना चाहिए, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या हो गया कि उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए, तीसरा जो पॉइंट हो गया कि जो उसका कॉस्ट है वो लो होना चाहिए। मींस हमारे लिए मतलब सिंस वी आर कंज्यूमर और कस्टमर जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है, हमारे लिए वो ट्रक एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा या एक क्वालिटी ट्रक होगा अगर उनमें ये तीन चीज़ें इंस्टिल्ड हैं या ये तीन चीज़ें उसमें जो है पाई जाती हैं। वो क्या है कि वो ट्रक रिलायबल है, दूसरा कि उस ट्रक की फ्यूल इकोनॉमी है, तीसरा कि उस ट्रक का कॉस्ट लो है। अब अगर मान लीजिए कि हमने कस्टमर को एक ट्रक ऐसा ऑफर किया, मींस हमने कंज्यूमर कस्टमर को ऐसा ट्रक ऑफर किया कि जिसमें कि एक ओवरसाइज्ड इंजन लगा हुआ है या एक्स्ट्रा पावर इंजन लगा हुआ है, उस इंजन का क्या काम है कि वो आपको एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा, बट जैसे ही आपका वो जो इंजन है वो एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो लो हो जाएगी। जैसे अगर आप देखो तो जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं, टू व्हीलर व्हीकल हो गए या फोर व्हीकल, जैसे जैसे उनका सीसी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनका जो एवरेज होता है वो भी डाउन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए हमने ऐसे ट्रक्स ऑफर किए कंज्यूमर को, या आप ऐसा मान लो कि अब चूंकि अभी हम लोग कंज्यूमर हैं या कस्टमर हैं क्योंकि वी आर इन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, तो हम एक ट्रक कंपनी के पास गए और उनने हमें एक ऐसा ट्रक ऑफर किया जो कि जिसमें कि एक एक्स्ट्रा पावर का इंजन लगा हुआ है, एक्स्ट्रा पावर का इंजन लगा हुआ है, बट उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या वो हमारे लिए क्वालिटी प्रोडक्ट होगा? हमारे लिए वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, और उसने हमें क्या कौन सा ट्रक दिया कि जिसमें कि एक्स्ट्रा पावर का इंजन है, फ्यूल इकोनॉमी कम है, चूंकि एक्स्ट्रा पावर का इंजन है जिसकी वजह से उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट जस्टिफाई हो गया कि हाई कॉस्ट डज नॉट नेसेसरीली इक्वेट टू हाई क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस। तो हमारा यहाँ पे किन किन चीज़ों से हमारा कन्फॉर्मेंस होना चाहिए था? रिलायबिलिटी, फ्यूल इकोनॉमी और कॉस्ट, लो कॉस्ट। इनके ऊपर हमारा जो भी प्रोडक्ट है या जो ट्रक है इनके ऊपर वो खरा उतरना चाहिए था, तभी वो हमारे लिए क्वालिटी प्रोडक्ट था। लेकिन हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, हमें क्या मिल रहा था? हाई कॉस्ट का ट्रक मिल रहा था जिसकी कि फ्यूल इकोनॉमी भी कम थी, और जो कि उसमें जो हमें मिल रहा था दैट इज एक्स्ट्रा पावर इंजन मिल रहा था, उसका भी हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट ही हमारे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए हमारा रिक्वायरमेंट कुछ और था। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि हाई कॉस्ट डज नॉट ऑलवेज इक्वेट टू द हाई क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस। अभी हम लोग ने क्वालिटी को थोड़ा डिफरेंट परस्पेक्टिव से समझने की कोशिश की, अभी हम लोग क्वालिटी को एक ऑफिशियली कैसे डिफाइन करते हैं उसको हम देखते हैं। तो क्वालिटी को ऑफिशियली डिफाइन किया है ISO 9000 सीरीज में, 2005 वर्जन में, और उसमें ये बोला है क्वालिटी इज द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका कुछ एक इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक होता है, जैसे आपके पास एक फ़ोन है तो फोन का इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक क्या होगा कि वो कॉलिंग करने के लिए कैपेबल हो गया, दूसरा कि उसके उसका कैमरा हो सकता है उसमें, तो इस तरीके कुछ इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिज़ाइन इस तरीके से की गई हैं ताकि वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। तो अभी क्वालिटी कैसे डिफाइन होगा? क्वालिटी इज द डिग्री, मीन्स किस हद तक वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक हैं वो किस हद तक हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द ISO 9000 2005।
फिलिप डी क्रॉसबी ने भी बोला कि क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट. कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट मैंने आपको जस्ट पीछे समझाया, तो फिलिप क्रॉसबी ने ये बोला कि क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट. फिर इसके बाद एडवर्ड डेमिंग साहब आए थे, तो एडवर्ड डेमिंग साहब ने क्या बोला कि ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में ये एक्टिव थे, और इनने बोला कि क्वालिटी मीन्स अ प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी एट लो कॉस्ट विद क्वालिटी सूटेड टू द मार्केट. सूटेड टू द मार्केट मीन्स जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो भी मार्केट में डिमांड है, और उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए. मीन्स कि हमारे वो रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई करे, उसकी कॉस्ट भी कम हो, और उसमें यूनिफॉर्मिटी और डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए. यूनिफॉर्मिटी मीन्स अगर आपने कोई प्रोडक्ट आज मतलब जैसे आपने कोई दो प्रोडक्ट खरीदे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट में वो फीचर्स अप टू द स्टैंडर्ड्स हैं और एक फीचर में वो अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है, या जो उसकी कन्फॉर्मिटी है या जो वो स्टैंडर्ड्स को जो मीट कर रहा है, जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड्स को वो प्रॉपर तरीके से वो मीट नहीं कर पा रहा है. तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को या ऐसे प्रोसेस को डिज़ाइन करना है जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस करे कि जो कि यूनिफॉर्म हो. मीन्स हर एक प्रोडक्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो. तो क्वालिटी मीन्स दैट इज वी हैव अ प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी और डिपेंडेबिलिटी. मीन्स प्रोडक्ट वो रिलायबल भी होना चाहिए. तो एडवर्ड डेमिंग साहब ने कुछ क्वालिटी को इस तरीके से डिफाइन किया कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, वो तब होगा जब वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे एट लो कॉस्ट और वो डिपेंडेबल हो. फिर एक और डेफिनेशन दी थी, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और एनसाई ने. उनने क्या बोला कि क्वालिटी इज टोटैलिटी ऑफ फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट. क्वालिटी इज टोटैलिटी ऑफ फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है आपका, गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है, दैट बियर्स ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई द गिवन नीड्स. अगर आप देखो तो हर किसी का एक ही पॉइंट था कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और एट द रीजनेबल कॉस्ट, देन दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. नाउ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्वालिटी. अच्छा, क्वालिटी क्या है? ये एक क्वालिटी एक परसेप्शन है, ठीक है? क्वालिटी एक परसेप्शन है. तो क्या हम उसको क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं? थोड़ा हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, कि हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया जिससे हम क्वालिटी को थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं मैथमेटिकली. तो क्वालिटी क्या है? परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन. पी इज परफॉर्मेंस एंड ई इज एक्सपेक्टेशन. अब क्या है कि क्वालिटी अगर ग्रेटर देन, क्वालिटी इज ग्रेटर देन वन भी हो सकती है और क्वालिटी इज लेस देन वन है. तो अगर क्वालिटी इज ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, और अगर क्वालिटी इज लेस देन वन है तो इसका मतलब है कि क्वालिटी इज दैट इज द प्रोडक्ट इज अ नॉट द प्रोडक्ट इज नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट. इफ क्वालिटी इज लेस देन वन देन वी हैव नॉट क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है? इसको थोड़ा और समझते हैं. अगर मान लीजिए Q इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है P ओवर E इज ग्रेटर देन 1 है. इसका मतलब हो गया कि परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन. मींस हमने जो एक्सपेक्ट किया था, या जो कस्टमर या कंज्यूमर है उसने जो एक्सपेक्ट किया था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, उसका जो परफॉर्मेंस है उस प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो उसके एक्सपेक्टेशन को सरपास कर गया. अगर कोई प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो किसी कस्टमर या कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दे तो वो प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा उस पर्टिकुलर कस्टमर या कंज्यूमर के लिए. इसी तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं कि क्वालिटी जब लेस देन वन, क्वालिटी लेस देन वन होगा इसका मतलब क्या हो गया कि पी बाई ई इज लेस देन वन. इसका मतलब हो गया कि पी इज लेस देन एक्सपेक्टेशन, मीन्स परफॉर्मेंस इज लेस देन एक्सपेक्टेशन. मैंने मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, कंज्यूमर कस्टमर ने जो एक्सपेक्ट किया था तो उस जो प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है उन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है. तो इसका मतलब वो हमारे लिए क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है. नाउ अप्रोचेस टू डिफाइन क्वालिटी. अभी तक हमने जो भी डेफिनेशंस पढ़ी थी उनको हम एक तरीके से अप्रोचेस में भी हम क्वालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं. बेसिकली मोर ऑर लेस जो हमने अभी पीछे पढ़ा है और ये पढ़ा है ये एकदम सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. बट डिफरेंस क्या है कि हमें ये जार्गन्स का पता होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता हो कि यूपीएससी में कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि इन जार्गन्स बेस में हो, पर अगर हमें इन जार्गन्स के बारे में नहीं पता होगा या ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनके बारे में नहीं पता होगा तो हम
हमें क्वेश्चन आते हुए भी हम क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे. तो बेसिकली हम इनके कुछ इनके मतलब को हम समझ लेते हैं मोर और लेस, जो हमने पहले क्वालिटी को डिफाइन किया था, और ये जो अप्रोचेज हैं क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए ये मोर और लेस सेम है. तो पहला अप्रोच है ट्रांसेंडेंट अप्रोच, दूसरा है प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच, तीसरा है यूजर बेस्ड अप्रोच, चौथा है प्रोडक्शन बेस्ड अप्रोच, एंड पांचवा है वैल्यू बेस्ड अप्रोच. तो ये पांच अप्रोचेज हैं जिससे हम की क्वालिटी को हम डिफाइन करते हैं. तो ये देखते हैं पहला अप्रोच, दैट इज ट्रांसेंडेंट अप्रोच. ये बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच है. इस अप्रोच का कहने का मतलब है कि क्वालिटी एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है. मीन्स ऐसा नहीं होगा कि कुछ कस्टमर बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, कुछ कस्टमर बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है. तो जो क्वालिटी है उसको वो एक तरीके से यूनिवर्सल फिनोमेना है. तो और जो क्वालिटी है वो कोई सब्जेक्टिव फिनोमेना नहीं है. मतलब कस्टमर टू कस्टमर बेसिस पे क्वालिटी की डेफिनेशन, या फिर कह लीजिए कि प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है, वो कस्टमर पे डिपेंडेंट नहीं है. तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच इस बात को बोलता है कि डेट इज कि क्वालिटी इज एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सली रिकॉग्निजेबल एंड इट इज कॉमन नोशन यूज्ड बाय द लेमैन. मतलब कोई प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो हर एक बंदा उसको बोलेगा कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है. तो डेट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच. मीन्स डेट इज कि क्वालिटी इज अ यूनिवर्सली रिकॉग्निजेबल. एंड थर्ड पॉइंट इज कि देयर इज नो सब्जेक्टिव जजमेंट एंड इज एस्टिमेटेड बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट. जैसा मैंने आपको भी समझाया कि ट्रांसेंडेंट अप्रोच में वो भी बोलता है कि ये क्वालिटी एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, ये कोई सब्जेक्टिव फिनोमेना नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग कस्टमर के अलग अलग रिव्यूज होंगे. तो ये ट्रांसेंडेंट अप्रोच था क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए. अगला अप्रोच है प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच. प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच में क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं. जैसे आपके पास मोबाइल है, जैसे ये पेन है, तो इस पेन का क्या एट्रीब्यूट होगा कि इट शुड राइट वेल. मोबाइल का क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए कि इट शुड कॉल वेल, या उसकी कैमरा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के. अगर कोई प्रोडक्ट में वो एट्रीब्यूट होते हैं और वो अप टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन है तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है. मीन्स ये डेफिनेशन कैसे हो गई कि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच है क्वालिटी को डिफाइन करने का. अगला अप्रोच है यूजर बेस्ड अप्रोच. यूजर बेस्ड अप्रोच बेसिकली फिटनेस फॉर यूज वाला जो हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे यूज के लिए फिट है तो मींस वो क्वालिटी प्रोडक्ट है. मींस जो फिट है वो हिट है. तो अगर आप ये देखो कि यूजर बेस्ड अप्रोच में क्या है कि अब यहां यूजर डिफाइन करेगा कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं. ट्रांसेंडेंट अप्रोच में देखा कि ट्रांसेंडेंट अप्रोच में था कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच था. मींस कि क्वालिटी यूनिवर्सली डिफाइंड थी कि अगर कोई प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है तो मींस वो क्वालिटी प्रोडक्ट है. इट वोंट वेरी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स. तो लेकिन यहाँ यूजर बेस्ड अप्रोच क्या है क्वालिटी को डिफाइन करने का कि यूजर डिफाइन करेगा कि वो जो भी प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज हैं वो एक क्वालिटी सर्विस या प्रोडक्ट है या फिर नहीं है. क्वालिटी इज व्यूड फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव एंड इज डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल डज द प्रोडक्ट मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर. तो ये आपका यूजर बेस्ड अप्रोच हो गया. अगला है प्रोडक्शन बेस्ड अप्रोच. हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होता है वो किसका आउटकम होता है? वो आउटकम होता है किसी भी प्रोसेस का. हमारे पास एक प्रोसेस होता है, जिसका एक आउटकम होता है, डेट इज प्रोडक्ट. मीन्स अगर ये हमारे पास प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस हमारा वेल कंट्रोल्ड प्रोसेस है, मीन्स एक क्वालिटी प्रोसेस है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा. तो प्रोडक्शन बेस्ड अप्रोच बेसिकली इसका जो फोकस था, इसका फोकस प्रोसेस पे था. इसकी पहले वाले जो अप्रोचेस थे वो क्या था, उसका फोकस क्या था, प्रोडक्ट पे था. तो यहां पे क्वालिटी को डिफाइन किया है प्रोसेस के बेसिस पे. दैट इज क्वालिटी प्रोडक्ट इज एन आउटकम ऑफ इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस. जो कोई भी प्रोडक्ट है वो अपने डिजाइन स्पेसिफिकेशन को कितना कन्फर्म करता है. कन्फर्म मतलब क्या होता है, किस हद तक वो उसको एक तरीके से फॉलो करता है, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस. तो क्वालिटी प्रोडक्ट इज एन आउटकम ऑफ इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस. दूसरा पॉइंट क्या है, द प्रोड्यूसर हैज स्पेसिफिकेशन
प्रोड्यूसर ने कुछ स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन किया था. कैसे डिज़ाइन किया था? मैंने आपको बताया था कि जो जो भी स्पेसिफिकेशन होता है वो डिज़ाइन होता है कैसे, कंज्यूमर सर्विस है या कस्टमर सर्विस है या मार्केट सर्विस है. तो कोई भी प्रोडक्ट अगर उन स्पेसिफिकेशंस को मीट करता है तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है. अगला अप्रोच है वैल्यू बेस्ड अप्रोच. वैल्यू मतलब क्या हो गया? बेनिफिट अपॉन प्राइस. पर यूनिट प्राइस में हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, मींस हमने अगर पे किया है, वी पेड द मनी, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें कितना बेनिफिट हुआ, वो इसका जो रेशियो है दैट इज बेनिफिट अपॉन प्राइस, ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है नहीं है. बेनिफिट बेनिफिट अपॉन प्राइस को हम बोलते हैं वैल्यू. तो ये एक वैल्यू बेस्ड अप्रोच है कि हमें, जैसे अगर मान लीजिए हम हॉस्पिटल में गए एंड एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और हमने वहाँ पे डॉक्टर की फीस पे की, लेट अस सपोज कि हमने वहाँ पे डॉक्टर की फीस पे की अराउंड 2000 रुपीज में, हमें किस तरीके की क्वालिटी मिल रही है या किस तरीके की हमें सर्विस मिल रही है, तो वो मतलब हम क्या इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, हम प्राइस और बेनिफिट को कंपेयर करते हैं. प्राइस और बेनिफिट को कंपेयर करते हैं. इसके पहले वाले अप्रोचेस में प्राइस वॉज नॉट द फैक्टर टू डिसाइड द क्वालिटी. इस अप्रोच में, दैट इज वैल्यू बेस्ड अप्रोच में, क्वालिटी इज सॉरी प्राइस इज अ फैक्टर टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो बेसिकली यहां पे देखो आप, तो क्वालिटी इज व्यूड इन कंटेक्स्ट ऑफ प्राइस. क्वालिटी इज सेटिस्फैक्टरी इफ इट प्रोवाइड्स डिजायर्ड परफॉर्मेंस एट एन एक्सेप्टेबल प्राइस. कस्टमर लुक्स एट द टोटल वैल्यू प्रोपोजिशन एंड नॉट द प्राइस अलोन. ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आपको सस्ता कोई चीज मिल रहा है तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो जाएगा. मींस प्राइस और बेनिफिट का एक बैलेंस होना चाहिए. दोनों के बीच में जो एक बैलेंस होगा वो एक तरीके से डिफाइन करेगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं है. नाउ डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी. गार्डन ने एट डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी दिया. मींस इन डायमेंशन, अगर हमें किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज करना है तो हम इन डायमेंशंस में जाके देखेंगे कि क्या वो प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं है. वो डायमेंशंस के नेम क्या है? परफॉर्मेंस, फीचर्स, कन्फॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विस, एस्थेटिक्स एंड द परसीव क्वालिटी. ये टोटल आपके 8 डायमेंशंस है. इसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं है. पहला आता है परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस बेसिकली प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम जज करते हैं. जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है तो मोबाइल का जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉलिंग. अगर मोबाइल की कॉलिंग क्वालिटी अच्छी है, इट मींस दैट मोबाइल हैज अ गुड परफॉर्मेंस. सेकंड इज फीचर. फीचर क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट की सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक को एनहेंस करता है, या आप कह लो कि वो उस प्रोडक्ट का एक एडिशनल फीचर्स है जो कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो जैसे आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल का सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? उसकी वीडियो क्वालिटी, उसकी कैमरा क्वालिटी, इस तरह की चीजें. या आप ऐसे कह लो कि जो आपका जो मोबाइल है उसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा है. तो इस तरह की जो चीजें हैं ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ये फीचर्स में आता है, और इसके बेसिस पे भी हम जज करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं है. तीसरा है कन्फॉर्मेंस. कन्फॉर्मेंस मीन्स अगर जो भी कोई हमारे पास प्रोडक्ट है, अगर वो सेट स्टैंडर्ड्स या आप कह लो जो भी उसके डिजाइन स्पेसिफिकेशंस हैं, अगर वो उसको मीट करता है देन दैट प्रोडक्ट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. कन्फॉर्मेंस मीन्स कि जो कहा गया है वो है. किसी भी प्रोडक्ट में जो भी कंपनी ने कहा है वो उस प्रोडक्ट में एक्चुअली में है, देन दैट इज कॉल्ड एज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. चौथा है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अपने डिजाइन लाइफ में, रिलायबिलिटी बेसिकली एक प्रोबेबिलिस्टिक टर्म है. प्रोबेबिलिस्टिक टर्म का मतलब ये है कि इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट है वो अपने डिजाइन लाइफ में प्रॉपरली कस्टमर या कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा, देन दैट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी को अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में देखें तो रिलायबिलिटी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. तो दैट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी को थोड़ा और हम डीप में पढ़ेंगे अपने रिलायबिलिटी के चैप्टर में. और आगे बढ़ते हैं, दैट इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मीन्स
कि किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइफ क्या है. मींस अगर जैसे आपने कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया जिसकी डिजाइन लाइफ है 15 साल, फॉर एग्जांपल टू व्हीलर व्हीकल्स, उसकी 15 साल है, बट वो जो टू व्हीलर व्हीकल था उसका ब्रेक डाउन हो गया अराउंड 5 to 6 years में, उसका इंजन अब इट नीड्स रिप्लेसमेंट ऑफ द इंजन, तो उस केस में क्या होगा कि वो प्रोडक्ट ड्यूरेबल नहीं है. सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो गया आज के टाइम पे क्वालिटी को जज करने के लिए, कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सर्विस कैसी है. जैसे आपने मोबाइल खरीदा या कोई भी XYZ आइटम खरीदा, अब वो आइटम क्या हो सकता है कि हो सकता है कि कुछ दिन बाद थोड़े उसमें प्रॉब्लम्स आने लगे, जो कि हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या कोई XYZ रीजन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है. तो सर्विस ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आई है कस्टमर को उसको सॉल्व करना. तो दैट इज कॉल्ड एज अनदर डायमेंशन टू जज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो सर्विस बेसिकली आज के टाइम पे अगर आपको मार्केट में कम्पीट करना है तो आप सर्विस के बेसिस, सर्विस तो आपको रखना ही पड़ेगा तभी आप मार्केट में कम्पीट कर सकते हो. जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट भी बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी सर्विस कैसी है, अच्छी है बुरी है. इवन लैपटॉप्स की जब हम चॉइसेस करते हैं तो भी हम चेक करते हैं कि किस लैपटॉप की कंपनी की सर्विस सबसे ज़्यादा अवेलेबल है. और सर्विस को एक तरीके से हम ये भी इस तरह से समझते हैं कि जब भी आप सर्विस सेंटर में जाते हो तो कितनी प्रॉम्प्टली, कितने उत्साह के साथ, या आप कह सकते हो कितने जोश के साथ जो वो सर्विस वाले बंदे होते हैं वो आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं. अगला डायमेंशन है एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स में क्या होता है कि ये ऐसा डायमेंशन है जो कि प्रोडक्ट के लुक पे बेस्ड है. एस्थेटिक मीन्स कि कोई प्रोडक्ट कितना सुंदर है. कई सारे कस्टमर होते हैं जो कि इस पे जिनका जो है इस चीज पे बहुत ही फोकस होता है, वो जज करते हैं कि प्रोडक्ट कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है, कितना वो एक तरीके से आपका उसके लुक्स कितने ही ऑसम टाइप के हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज एस्थेटिक्स. फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल को कैसे हम जज करेंगे कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एस्थेटिक्स, कि मोबाइल कितना स्लीक है, कितनी उसकी फिनिशिंग है, उसका पेंट या उसका जो कलर है वो कितना एलिगेंटली उसको कलर या पेंट किया गया है. तो इस तरह की चीजें हैं जो कि एस्थेटिक्स में आती है. अगला आता है परसीव्ड क्वालिटी. परसीव्ड क्वालिटी मीन्स जो आप परसेप्शन से लेते हो, मीन्स आप उसके बारे में जानते नहीं हो, आपने उसको यूज नहीं किया, बस आप उसको एक तरीके से परसीव कर रहे हो थ्रू एडवर्टीजमेंट या कह लो आप ब्रांड वैल्यू, इनके बेसिस पे आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप जज करते हो, तब उसको बोलते हैं हम कि वो एक परसीव्ड क्वालिटी है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए एप्पल कंपनी है, तो एप्पल कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू है. सपोज एप्पल जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में उसकी एक तरीके से आप कह लो कि उसकी मोनोपोली है. लेकिन अगर कल को एप्पल किसी और फील्ड में अपने बिजनेस को डाइवर्स करती है तो उसकी जो उस बिजनेस की जो क्वालिटी है हम एप्पल की ब्रांड वैल्यू पे जज करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एज परसीव्ड क्वालिटी. अब यहाँ पे 8 डायमेंशंस को थोड़ा हम रीड आउट कर लेते हैं और ताकि हमारे पास एक और अच्छी क्लैरिटी आ जाए कि ये जो 8 डायमेंशंस थे बेसिकली ये गार्विन ने दिए थे. और उसमें पहला है परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया है कि इट बेसिकली जज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स परफॉर्मेंस रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक. दिस डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी इन्वॉल्व्स मेजरेबल एट्रीब्यूट्स. ब्रांड्स कैन यूजुअली बी रैंक ऑब्जेक्टिवली ऑन इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस. दूसरा क्या डायमेंशन है, फीचर्स. फीचर्स क्या है, दिस इज द एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका एक और इंपॉर्टेंट है कि फीचर्स आर द बेल्स एंड विशेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ये टर्म बस याद करना है कि बेल्स मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी इज कॉल्ड एज बेल्स एंड विशेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो वो बेसिकली क्या होगा, फीचर्स. तो फीचर जो होता है वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंड दिस इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस. रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी इज द लाइकलीहुड दैट अ प्रोडक्ट विल नॉट फेल विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड.
दिस इज द की एलिमेंट फॉर द यूजर हु नीड द प्रोडक्ट टू वर्क विदाउट फोल्ड. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कौन सा एग्जाम्पल दिया था, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में अगर हम मान लीजिए कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमें जो ट्रक चाहिए वो ऐसे ट्रक चाहिए जो कि रिलायबल हो, मतलब सर्टेन डिस्टेंस अगर वो ट्रक ट्रेवल करे तो वो एक रिलायबिलिटी के साथ विदाउट फेल वो ट्रक उस डिस्टेंस को कवर कर जाए. तो दैट इज द रिलायबिलिटी. कन्फॉर्मेंस मीन्स कि जो भी उसकी डिजाइन स्पेसिफिकेशन है उसको वो कितना कन्फर्म कर रहा है. कन्फॉर्मेंस इज द प्रिसीजन विद विच द प्रोडक्ट और सर्विस मीट्स द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स या डिजाइन स्पेसिफिकेशंस. अगला है ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मीन्स क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी मेजर द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ. मैंने आपको टू व्हीलर का एग्जाम्पल दिया था कि कोई प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल होगा. अगर जैसे टू व्हीलर अगर हमने व्हीकल खरीदा है तो वो उसकी जो डिज़ाइन लाइफ होती है नॉर्मली 15 साल होती है, बट अगर वो 15 साल के पहले वो ब्रेक डाउन करने लगे या उसका इंजन बोल जाए या उसमें प्रॉब्लम्स आने लगे तो मीन्स दैट इज नॉट अ ड्यूरेबल प्रोडक्ट. एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन द प्रोडक्ट कैन बी रिपेयर्ड एस्टिमेटिंग ड्यूरेबिलिटी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. इस पॉइंट को मैं आपको बहुत डिटेल वे में बताऊंगा, कौन से चैप्टर में, रिलायबिलिटी वाले चैप्टर में. वहां पे हम इसको डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट आपका रिपेयर हो सकते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी को जज करना मुश्किल होता है. क्यों आपको मैं वहां पे इसलिए बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे मीन टाइम बिटवीन फेल्योर्स या मीन टाइम टू फेल्योर्स, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है, बाथटब कर्व का इस्तेमाल हुआ है. तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो उनका इस्तेमाल हुआ है इस पॉइंट को समझने के लिए. फिलहाल के लिए आप इस पॉइंट को यहाँ पे एक तरीके से अब्जॉर्व कर लीजिए कि प्रोडक्ट अगर रिपेयर हो सकता है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को जज करना इज वेरी डिफिकल्ट. नाउ सर्विसिबिलिटी. तो सर्विसिबिलिटी क्या है, इट इज द स्पीड विद विच द प्रोडक्ट कैन बी पुट इन टू द सर्विस वेन इट ब्रेक्स डाउन एज वेल एज द कॉम्पिटेंस एंड बिहेवियर ऑफ द सर्विस पर्सन. तो ये सर्विसिबिलिटी की, सर्विसिबिलिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था. एस्थेटिक्स मींस क्या है, एस्थेटिक इज द सब्जेक्टिव डायमेंशन, मींस वो यूजर टू यूजर डिपेंड करेगा. इज द सब्जेक्टिव डायमेंशन इंडिकेटिंग द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स अ यूजर हैज टू अ प्रोडक्ट एंड इट रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल पर्सनल प्रेफरेंस. तो ये एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है, मींस आपका कंज्यूमर, डिफरेंट कंज्यूमर का डिफरेंट एक तरीके से इसके लिए आपका परसेप्शन हो सकता है एस्थेटिक को लेकर. सब्जेक्टिव फिनोमेना. अगला है परसीव क्वालिटी. ये आपका एट्थ डायमेंशन है जिसको मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया था इस वाले में. इसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डायमेंशन को डिस्कस किया था. परसीव क्वालिटी को हमने अलग से डिस्कस किया कि परसीव क्वालिटी इज द क्वालिटी एट्रीब्यूटेड टू अ गुड्स और सर्विस बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट मेजर. इनडायरेक्ट मेजर मतलब क्या हो गया, ब्रांड वैल्यू, एडवर्टीजमेंट हो सकता है कि आपने अगर बहुत ही क्लासिक तरीके से एडवर्टाइज किया है या बहुत एक्सटेंसिवली एडवर्टाइज किया अपने प्रोडक्ट को, तो वो भी एक तरीके से, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर कस्टमर फुल पता नहीं होता है, तो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनको बताते हो कि आपके प्रोडक्ट में ये खूबियाँ हैं, ये क्वालिटीज हैं. तो ये इसको बोलते हैं परसीव्ड क्वालिटी. ये डायरेक्ट मेजर नहीं है, मींस जो कंज्यूमर या कस्टमर होता है वो डायरेक्टली उसको मेजर नहीं कर रहा है, वो आपके कहने से वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज कर रहा है. नाउ कस्टमर क्या होता है. अभी तक हमने बताया कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट एक्चुअली कस्टमर क्या होता है उसको थोड़ा हम डेफिनेशन उसको हम डिफाइन कर देते हैं. तो उसको डिफाइन अगर हम ऐसे करते हैं कि कस्टमर इज एन एनी पार्टी डेट रिसीव्स और रिक्वेस्ट गुड्स और सर्विसेज. जो भी गुड्स और सर्विसेज का एक तरीके से यूटिलाइजेशन करता है वो एक कस्टमर होता है. बेसिकली कस्टमर इज एनी पार्टी डेट रिसीव्स और रिक्वेस्ट गुड्स और सर्विसेज. कस्टमर दो तरीके के होते हैं, इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर. तो इंटरनल कस्टमर क्या है, इंटरनल कस्टमर आर दोज कस्टमर विच आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हमारी मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी है तो हमारी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हैं वो एक तरीके से हमारे लिए इंटरनल कस्टमर्स हो गए. इंटरनल कस्टमर्स क्या होते हैं, बहुत ही क्रूशियल कस्टमर्स होते हैं, मीन्स दे आर द फर्स्ट वंस जो कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज करेंगे. अगर इनने आपके क्वालिटी को जज कर लिया, इनने आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को या 5-star रेटिंग दे दी, तो एक तरीके से फिर आपका मींस जो प्रोडक्ट है वो कह सकते हैं आपके अप टू द मार्क है.
और एक्सटर्नल कस्टमर क्या होता है, जो आपका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी कस्टमर्स होते हैं वो एक्सटर्नल कस्टमर होते हैं. तो बेसिकली इंटरनल कस्टमर आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ टाइप्स ऑफ क्वालिटी. तो टाइप्स ऑफ क्वालिटी, अभी तक हमने जो भी क्वालिटी के बारे में पढ़ा तो उसको हम थोड़ा सा एक तरीके से ब्रॉड लाइन उसका हम जनरेट करते हैं कि क्वालिटी की टाइप्स क्या क्या हैं. हमने क्वालिटी के बारे में पढ़ा तो बहुत सारे एंगल से हमने क्वालिटी को देखने की कोशिश की, बट एक्चुअली में टाइप्स ऑफ जो क्वालिटी को हमने तीन टाइप्स, क्वालिटी जो है तीन टाइप्स की होती हैं. वो ऐसा होता है कि क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस. क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन मतलब क्या हो गया कि फिटनेस फॉर यूज, सच अ डिज़ाइन विच सेटिस्फाई द फ्रेज फिटनेस फॉर यूज, दैट इज द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन. मीन्स हमने प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया है वो अगर हमारे लिए फिट है, जैसे कि हमने अगर आपको वो माइक्रोसॉफ्ट बॉब का एग्जाम्पल दिया था, तो उनने जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था दैट वॉज नॉट फिट फॉर द यूज टू द कस्टमर और कंज्यूमर. जो भी उसके जो कस्टमर और कंज्यूमर्स हैं उनके लिए वो फिट नहीं था. फिट नहीं था एज इन कि इट वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड. कि जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर में मैंने दिखाया था कि सॉफ्टवेयर में क्या था कि एक हाउस बना हुआ है, हाउस में डिफरेंट रूम्स हैं, डिफरेंट रूम्स में डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है और हर एक एंटिटी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एक तरीके से सिग्निफाई कर रहा था या डिनोट कर रहा था. तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं थोड़ा सा यूज़र को बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था. तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन मीन्स फिटनेस फॉर यूज़. Quality of conformance means ability of the product to meet its design specification. जो भी product है अगर उसके जो भी design specification है उसको अगर वो meet करता है तो it means that is a quality product. That is quality of conformance इस बात को कहता है. Quality of performance क्या है? Perform in the market. Means market में उसका क्या value create हो रहा है, market में जो भी consumer customer है उसको क्या rating दे रहे हैं, तो that is the quality of performance. Now जर्नी टुवर्ड्स एक्सेलेंस. अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी वो हमने पढ़ा कि क्वालिटी को डिफाइन करने की कोशिश की, क्वालिटी के टाइप्स को समझने की कोशिश की, क्वालिटी का जो डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट, क्वालिटी को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश की. अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि जो हमारे क्वालिटी गुरुज थे उनने क्वालिटी को क्वालिटी के फील्ड में किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया. तो ये एक बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका ऐसे है कि ये शुहार्ट 1920s के अराउंड एक्टिव थे, ये पी क्रॉसबी 1930 के अराउंड एक्टिव थे, जो डेमिंग साहब थे वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, 1945 to 1960 आप कह लो इस पीरियड में काफ़ी एक्टिव थे. जुरान भी 1945 to 1960 एक्टिव थे और इशिकावा भी उस टाइम एक्टिव थे. तो बेसिकली ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. इस तरीके से ये क्वालिटी गुरुज थे, इनने क्वालिटी के फील्ड में अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया. तो उनको आइए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इन क्वालिटी गुरुज ने क्या क्या कंट्रीब्यूशंस दिए हैं. तो पहले हम क्वालिटी के टाइमलाइन को समझते हैं कि शुहार्ट तो 1920s में आए थे. प्रोफेसर शुहार्ट 1920s में आए थे. उसके पहले क्वालिटी कैसे जज होती थी, उसके पहले क्या था, मिडिवल पीरियड की बात है. मिडिवल पीरियड में क्या होता था, ये मिडिवल पीरियड था. मिडिवल पीरियड में क्या था कि आपका जो क्वालिटी जो जज होता था वो केवल और केवल इंस्पेक्शन के बेसिस पे जज होता था. मींस क्या होता था कि उस टाइम पे कुछ कारीगर्स होते थे, या फिर आप कह लो कुछ कारीगर होते थे, वो कारीगर होते थे उनके एसोसिएशन को हम गिल्ड्स बोलते थे. गिल्ड्स क्या थे, एक तरीके से एसोसिएशन ऑफ कारीगर, या आप कह लो कि जो भी उस समय क्राफ्ट्समैन थे, कारीगर को इंग्लिश में हम लोग क्राफ्ट्समैन कहते हैं, इनके एसोसिएशन को हम बोलते थे गिल्ड्स. तो क्या होता था उस टाइम पे कि गिल्ड्स होते थे, जो भी आपके क्राफ्ट्समैन होते थे उनका एक समूह होता था, या कह लो आप उनका एक एसोसिएशन होता था. वो एक पर्टिकुलर टाइप के काम में देवर एक्सपर्ट, ठीक है, और वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते थे
और वो अपने क्या उस टाइम पे क्या होता था, जैसे जैसे आज के टाइम पे क्या होता था, आज के टाइम पे क्या होता है कि हर एक ब्रांड का एक लोगो होता है, तो वैसे उस टाइम पे भी गिल्ड्स का डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन का डिफरेंट डिफरेंट लोगो होता था एंड दे ट्राइड टू मेंटेन देयर क्वालिटी एंड दे ट्राइड कि वो मार्केट में बेस्ट गिल्ड्स हों। तो उस टाइम पे क्वालिटी को देखने का या क्वालिटी को जज करने का सिर्फ एक ही मेथड था, दैट वाज इंस्पेक्शन। उस टाइम पे इंस्पेक्शन वाज द ओनली मींस कि जिसकी वजह से हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम जज कर सकते थे। मींस क्या हुआ कि गिल्ड्स जो एसोसिएशन था उनने एक कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को वो इंस्पेक्ट करते थे या जो कंज्यूमर और कस्टमर को दिखाते थे, मतलब वन टू वन डीलिंग, मतलब एक कस्टमर होता था और एक कस्टमर होता था, एक प्रोड्यूसर होता था। जो प्रोड्यूसर होते थे वो गिल्ड्स थे और जो कस्टमर होते थे वो क्या करते थे, वो गिल्ड्स से उस प्रोडक्ट को बाई करते थे, फिर कस्टमर भी उसको जज करता था और गिल्ड्स तो जज करते ही थे कि वो जो उनने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ कि मिडेवल पीरियड में इंस्पेक्शन वॉज ओनली द मीन्स या वॉज ओनली द टूल जिससे हम किसी भी क्वालिटी को हम जज कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1776 में, और उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज मार्केट में आ गई। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो मेन कारण था वो था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मिडिवल पीरियड में पॉपुलेशन वॉज इन कंट्रोल फॉर्म, बट जैसे जैसे आपका टाइम बीतता गया वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक फिनोमेना हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि मास प्रोडक्शन होने लगा। मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज कैरेक्टराइज बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑन द लार्ज स्केल। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, मास प्रोडक्शन होने लगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मास प्रोडक्शन हुआ, अगर अब हमने किसी चीज को इंस्पेक्ट करना चालू किया वन बाय वन, आपने जैसे ये एक लॉट है, ठीक है, अब आपने क्या किया कि एक एक आइटम को उठा के आप उसको देख रहे हो कि इसकी क्वालिटी कैसा है कैसा नहीं है, तो इट विल बी लाइक इट्स लाइक एक ब्लंडर है। व्हाई? क्योंकि इसमें आपका टाइम जाएगा, इसमें आप मैन पावर इन्वेस्ट करोगे, इसमें आपका टाइम, आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो इसका इतना कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा कि वो आपके लिए एक तरीके से बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर हमारे पास मास प्रोडक्शन है तो उसके लिए इंस्पेक्शन वॉज नॉट द बेस्ट टूल टू जज द क्वालिटी ऑफ द या टू जज द क्वालिटी या क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंस्पेक्शन वॉज नॉट द बेस्ट मेथड। तो अभी क्या हुआ, अभी डिमांड हुई, किस चीज़ की डिमांड, कि कोई ऐसा हमारे पास टूल हो जाए कि जिससे कि ये जो मास प्रोडक्शन है इसके क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकें या इसके क्वालिटी को हम जज कर सकें। तो 1920 में क्या हुआ था, 1920 में शुहार्ट ने कंट्रोल चार्ट और रन चार्ट दिए थे। तो इसके बारे में रन चार्ट और कंट्रोल चार्ट को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि रन चार्ट और कंट्रोल चार्ट थे क्या, ये किस तरीके से क्वालिटी को कंट्रोल करते थे। तो होता क्या था कि हमारे पास सपोज करिए एक प्रोसेस है और एक पर्टिकुलर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की चीज़ें वो प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि 42 सेंटीमीटर शर्ट की साइज वो प्रोड्यूस करता है, तो अगर इस प्रोसेस पे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, हो सकता हो कि हमारे पास जो स्किल्ड लेबर है जो कि उस प्रोसेस को रन कर रहा है वो इतना स्किल्ड नहीं है कि उस प्रोसेस को एफिशिएंटली वो रन कर सके। तो इस तरीके के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास सब कुछ आइडियल है, मीन्स हमारे पास स्किल्ड लेबर है और भी जो अदर फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट के आउट जो इस प्रोसेस के आउटपुट को कंट्रोल करते हैं वो सारे के सारे एकदम आइडियल कंडीशन पे सेट हैं या फिर ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड हैं, तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा वो एकदम टारगेट पे आएगा। मीन्स जो शर्ट प्रोड्यूस होगी वो 42 सेंटीमीटर की शर्ट प्रोड्यूस होगी। अभी क्या है कि इस प्रोसेस पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोसेस आपका आइडियल प्रोसेस नहीं होता है। तो क्या है कि इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फैक्टर्स आपका रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या होगा कि अभी जो इसका आउटपुट निकल के आएगा वो आउटपुट 42 सेंटीमीटर ना होके 42 सेंटीमीटर से ऊपर या 42 सेंटीमीटर से नीचे ऐसे कुछ वो शर्ट्स प्रोड्यूस होगा। कुछ शर्ट्स 42 सेंटीमीटर एग्जैक्टली भी प्रोड्यूस होंगे,
तो इस तरीके के हमारे पास आउटपुट आएंगे। तो बेसिकली क्या है, कंट्रोल चार्ट्स में क्या होता है कि हम दो लिमिट को डिफाइन करते हैं, डेट इज UCL और LCL। इन दो लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। UCL इज अपर कंट्रोल लिमिट और LCL क्या है आपका, लोअर कंट्रोल लिमिट। तो ये दो UCL होते हैं, मतलब दो आपके लिमिट्स होते हैं, कंट्रोल दो लिमिट्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल लिमिट्स बोलते हैं, दैट इज UCL और LCL। UCL और LCL ये आपका बेसिकली कंज्यूमर सर्वे से एक तरीके से हम डिसाइड करते हैं, मैथमेटिकली भी डिसाइड करते हैं, बट इसका मैथमेटिकल जो एस्पेक्ट है उसको हम अपने 7 क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर 2 ऑफ दिस पार्ट उसमें हम देखेंगे कि इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या है। बट अभी फिलहाल के लिए समझिए कि एक UCL एक LCL होता है। UCL और LCL मतलब कि जो कंज्यूमर है वो इस UCL और LCL के बीच में, दैट इज अगर सपोज करिए यहाँ पे हमने UCL लिया 42.03 और जो LCL लिया वो लिया 41.90, मींस कि इस दो लिमिट्स के अंदर जितने भी शर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो सारे हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल शर्ट्स होंगे, मींस कंज्यूमर उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेसिकली कंट्रोल चार्ट क्या करता है कि हम यहाँ पे आपका टाइम होता है और यहाँ पे वो पैरामीटर होता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है जिसका कि एक आउटपुट हो रहा होता है, आउटपुट मिल रहा होता है। तो अभी क्या है कि टाइम के साथ हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम मॉनिटर करते हैं कि वो किस तरीके के आइटम्स या फिर आइटम्स के जो, जैसे यहाँ पे शर्ट का एग्जांपल लिया है तो वो कौन कौन सी शर्ट की साइजेस वो प्रोड्यूस कर रहा है और हम उसको हम प्लॉट करते चले जाएंगे अपने ग्राफ में। और अगर हमारे सारे पॉइंट्स जो हमारे जो जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे UCL, उसको UCL बोलते हैं, उसको LCL बोलेंगे, UCL और LCL के मिड में लाई कर रहा है, UCL और LCL के मिड में लाई कर रहा है या इनके अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रोसेस हमारे लिए कंट्रोल्ड प्रोसेस है और वो जो भी प्रोडक्ट हमें दे रहा है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिकल वे में हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली क्या है, शूहार्ट ने एक आइडिया दिया कि रेदर देन इंस्पेक्टिंग कि हर एक आइटम को हम पकड़ पकड़ के इंस्पेक्ट करें, उससे बेटर है कि हम प्रोसेस को कंट्रोल कर लें। तो उनने उस कंट्रोल उस उनने जो है प्रोसेस को कंट्रोल करने के टूल को जो नाम दिया है वो बोला है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टूल, दैट इज SPC टूल्स। और वो SPC टूल्स क्या है, रन चार्ट और कंट्रोल चार्ट, ठीक है। यहाँ हमने आपको बताया कंट्रोल चार्ट की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, कंट्रोल चार्ट में एक अपर कंट्रोल लिमिट होगा UCL होगा, एक LCL होगा और एक आपका कंट्रोल लिमिट होगा, डेट इज द टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू अपने जैसे एग्जांपल में हमने देखा, जैसे शर्ट का एग्जांपल दिया, 42 सेंटीमीटर शर्ट का एग्जांपल लिया, तो उसमें जो टारगेट वैल्यू जो कंट्रोल लिमिट होगी वो क्या होगा, 42। LCL क्या होगा, 41.90 और UCL क्या होगा, 42.03। तो इस तरीके का उनने कुछ कंट्रोल चार्ट्स दिए। ये जो कंट्रोल चार्ट्स थे वो दो तरीके के हैं, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आप अपने 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल वाले चैप्टर में। इनने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी बोला, इनने बोला शूहार्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्वालिटी के फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रीब्यूशन था। उनने पहला तो ये एसपीसी देके उनने जो मास प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम थी कि मास प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसकी हम क्वालिटी को कैसे हम जज करेंगे या उसकी क्वालिटी कैसे कंट्रोल करेंगे, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया। दूसरा उनने डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया कि मींस अगर हम चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके 10 साल का एक्सपीरियंस 10 महीनों में ले सकते हैं, तो डेट इज़ द पावर ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो उनने बोला डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट टूल से हम अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। तो हमने देखा कि अभी तक हमने ये देखा कि कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं। कंट्रोल चार्ट में बेसिकली हमारे पास एक कंट्रोल लिमिट होता है, एक अपर कंट्रोल लिमिट होता है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि शूहार्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था क्वालिटी के फील्ड में। इस लेक्चर में अभी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पी क्रॉसबी के क्या कंट्रीब्यूशन थे और फर्दर हम देखेंगे डेमिंग के क्या कंट्रीब्यूशन थे। थैंक यू।
Thank you for listening.